जी, भाद्र मास में जन्मे लोगों की चर्चा हो चुकी, अब ये बताइए आश्विन मास में जो लोग जन्मे हैं उनका व्यक्तित्व, उनका भविष्य और साथ ही उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनका पारिवारिक जीवन अच्छा रहे। भाद्रपद महीने के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी भाद्रपद महीने में हुआ और भाद्रपद महीने में जन्मे हुए लोगों का जो जीवन होता है एक अद्वितीय जीवन होता है। लेकिन अब आश्विन महीने की चर्चा की जा रही है जो पितरों का भी महीना कहा जाता है और वासांतिक नवरात्र होता है, माँ दुर्गा का भी महीना होता है। आश्विन मास में जन्मे लोग विद्वान, चतुर और धनवान होते हैं। ये लोग सत्य बोलने वाले, विचारशील एवं व्यक्तित्व के, अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। आश्विन मास में जन्मे लोग सत्ता के शौकीन और न्यायप्रिय होते हैं। इस मास में जन्मे लोग पितरों और देवियों की उपासना यदि करें तो सर्वदा इनके जीवन में सुख बना रहेगा। और अब वक्त चला है कि हम रुक करें राशियों की ओर, बात कर लेते हैं तुला राशि की, जान लेते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को माता की प्राप्ति होगी, बचत में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, शिक्षा में रुकावट आ सकती है, स्वास्थ्य खराब रहेगा, शनि की उपासना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और अनुज जी, एक दर्शक इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, क्या जाना चाहते हैं आप, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हमारी दोनों लोगों की भादो की पूजा की पैदाइश है जी, तो हमारे मिसेज के ऑपरेशन भी दो बार हो चुके, तो हमारी संतान जो होती है जो खत्म हो जाती है, दो संतान हुई, एक लड़का एक लड़की, तो खत्म हो जाती है जी। तो उसके लिए पंडित जी कुछ उपाय बताओ आगे के लिए हमको। एक बहुत आराम से छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ। आप विंध्यवासिनी जाकर के वहाँ पर माता विंध्यवासिनी का दर्शन करके और एक नारियल वहाँ पे आप धरने के रूप में मंदिर के ठीक पीछे भैरव के स्थान पर आप रखते हैं। इसके बाद काली कवच भोजपत्र पर लिखवा करके और उसकी 50 आवृत्ति पाठ करवा के उसका खोटसोपचार पूजन करके चांदी के यंत्र में अपने पत्नी के गले में आप धारण करवा दें। निश्चित रूप से इसे जीववत्सा कवच कहते हैं और आपकी संतान जीवित रहने लगेंगी। तो पंडित जी, आज हम बात करें जन्म के महीने के आधार पर व्यक्ति के भविष्य और उसके व्यक्तित्व के बारे में। अब पौष महीने में जो लोग जन्मे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, पौष महीने में जन्मे लोग शरीर से कमजोर और साधारण व्यक्तित्व के होते हैं। इस मास में जन्मे लोगों को पिता की तरफ से धन प्राप्त नहीं हो पाता है और इन्हें धन कमाने में कठिनाई होती है। पौष मास में जन्मे लोग स्वभाव से धार्मिक, चतुर और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। इस मास में जन्मे लोग भगवान विष्णु की उपासना करें, निश्चित रूप से जीवन सुखी रहेगा। और अब से थोड़ी देर में पंडित जी देखेंगे किसी एक लाखी कॉलर की कुंडली कौन है, वो लाखी कॉलर ये जानेंगे या आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात करनी होगी वृश्चिक राशि की, जान लेते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन की वृद्धि होगी और मन में तनाव की स्थिति बनेगी, माता को कष्ट होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, शनि की उपासना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं पंडित जी कार्तिक मास में जन्मे जातकों के बारे में, उनका व्यक्तित्व, उनका भविष्य और उनकी किस्मत का लेखा जोखा। कार्तिक मास के पहले हमें आश्विन मास की बात कर चुके हैं और कार्तिक मास का भी मतलब की जहाँ तक बात है उसके विषय में, कार्तिक मास में जन्मे लोग सुंदर और आकर्षक होते हैं, परिश्रमी, साहसी और ईमानदार होते हैं, स्वभाव से उदार होते हैं और इरादों के पक्के होते हैं। जिन लोगों का जन्म कार्तिक मास में होता है वो लोग व्यापार में काफी उन्नति करते हैं। इस मास में जन्मे लोग माँ लक्ष्मी की उपासना करें। और अब वक्त हो चला है कि हम बात कर लें आपकी कुंडली की। तो आज की हमारी स्पेशल कॉलर हैं कानपुर से ऋचा जैन, ये खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पंडित से जान लेते हैं क्या कहती है पंडित जी ऋचा की कुंडली। देखिए, ऋचा जैन का जन्म कानपुर में 3 दिसंबर 1982 को 10:55 पर प्रातः काल हुआ। स्क्रीन पर नजर डालें तो मकर लग्न की इनकी कुंडली है, लग्न में मंगल की स्थिति है, एकादश भाव में 4 ग्रह हैं,
ससुरा सचंद्रा यत्र कुत्र चतुर्ग्रह माला नामक योगो एवं सजातो कुल दीपका और चंद्रमा राहु की युति छठवें भाव में है। मन में हर समय संशय और दुविधा की स्थिति बनी रहेगी और लग्ने शनि उच्च का होकर के दसम भाव में बैठा हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन क्रोध और गुस्सा के कारण कभी कभी काम बिगड़ेंगे और मांगलिक होने के नाते वैवाहिक कार्यों में भी विलंब की स्थिति बनेगी। मंगल का निवारण करना चाहिए, निश्चित रूप से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। और ऋचा जी इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ऋचा जी कुछ और पूछना चाहती हैं पंडित जी से अपने विषय में? पंडित जी, मेरी एक्चुअली शादी और करियर दोनों में रुकावटें आ रही है, तो वही पूछना था। बेटा आप अपने मंगल ग्रह की शांति करवाएं, निश्चित रूप से आपका सुंदर विवाह होगा। करियर की आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब जो समय शुरू हुआ है गोचर से शनि तुला राशि में आया है, इसमें तो आपको सफलता मिलेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके विवाह में विलम्ब हो सकता है अभी भी, इसके लिए आपको मंगल की शांति करवानी चाहिए। मंगल के वैदिक मंत्र का 50,000 बार जप यदि करवा करके हवन तर्पण मार्जन किया जाए तो निश्चित रूप से आपका सुंदर विवाह होगा। ये तो बात हुई आपकी कुंडली की, अब वक्त हो चला है कि एक बार फिर से हम रुक करें राशियों की और बात कर लेते हैं धनु राशि की। सैजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज धनु राशि के जातकों का भाग्योदय होगा, मन प्रसन्न रहेगा, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और संजय जी एक दर्शक इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी क्या जाना चाहते हैं आप? नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहे संजय जी। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म 1977 को हुआ है। जी जी। वैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो सही मतलब मेरे माता पिता को पता नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए। आप प्रश्न करिए, क्या जानना चाहते हैं पंडित जी? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी अच्छी नौकरी कब लगेगी? देखिए आपने जो प्रश्न किया है इसके आधार पे आपके दशम भाव में बुध राहु की स्थिति है और मंगल और शनि का इत्थसाल योग हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा इस वर्ष में आपकी अच्छी नौकरी का योग बन जाएगा, जिससे आप संतुष्ट रहेंगे। आपको नित्य हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करना चाहिए और मंगलवार का व्रत भी करना चाहिए। पंडित जी, माघ मास में जो लोग जन्मे हैं उनका व्यक्तित्व, उनका भविष्य और साथ ही उनका जीवन कैसा रहता है? देखिए माघ मास में जन्मे लोग स्वभाव से धार्मिक होते हैं, विचारशील और श्रद्धावान होते हैं। माघ मास में जन्मे लोगों को अचानक धन की प्राप्ति का योग बनता है और माघ मास में जन्मे व्यक्तियों के लिए कर्तव्य और निष्ठा पूरे जीवन मूल मंत्र बनकर के उनके जीवन में उतर जाता है। ऐसे लोग उदार निस्वार्थ जीवन जीते हुए मित्रों और परिवारजनों के प्रिय होते हैं। इस मास में जन्मे लोग भगवान गणेश की पूजा करें तो निश्चित रूप से और भी इनका जीवन उत्तम होगा। एक बार रुक करना होगा राशियों की ओर, बात कर लेते हैं मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज मकर राशि के जातकों के भाई को कष्ट मिल सकता है, भाग्योदय होगा और परोपकार में रुचि बढ़ेगी। आयात निर्यात से लाभ होगा, दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और मीरा जी एक दर्शक इस वक्त पुणे से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीरा जी क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मेरा पति का नाम है दत्तात्रेय, वो 34 साल के है, वो ट्रेनर बनना चाहते हैं और बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, वो बनेंगे या नहीं? देखिए आपने जो प्रश्न किया है पति के बारे में, उनका दशम भाव मंगल और लग्नेश शनि दोनों का इत्थसाल तो हो रहा है, निश्चित रूप से उन्हें अपने जीवन में सफलता मिलनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन थोड़ा सा विलंब हो सकता है, ये विलंब 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक का भी हो सकता है। और सीमा जी एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी क्या कहना चाहती हैं? जी पूछिए अपना सवाल। सीमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। जी मेरी बेटी का नाम संजना है। जी 10 अप्रैल 2002 में सुबह के टाइम मेरठ में उसका जन्म है। जी क्या जानना चाहती हैं आप? जी वो मेरे से अलग है, मतलब अपने पापा के पास है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो मुझे कब तक मिल जाएंगी और मेरी सेहत बहुत खराब रहती है, मुझे दवाई नहीं लगती है, मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ इसके लिए। अभी बेटी को मिलने का तो कोई योग नहीं बनता हुआ नजदीक में दिखाई दे रहा है, अभी तो जो दिखाई दे रहा है वो खडाष्टक योग दिखाई दे रहा है।
अभी बेटी को मिलने का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो इसके विषय में मैं बता सकता हूँ कि ये शनिवार के दिन आप सरसों के तेल से अपना मसाज करा करके और गुनगुने पानी से नहाएं तो चार शनिवार के बाद आपकी सेहत ठीक होगी। ओमकार जी के दर्शक मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा सही समय कब आने वाला है। जी कितने वर्ष के हैं आप? हाँ? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 25 साल की। जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि द्वितीयेश और सप्तमेश, मंगल और बुध, ये दोनों ग्रहों का इस समय वर्तमान समय में जब आपने प्रश्न किया है तो चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी आपके अच्छे समय की शुरुआत आने में कम से कम 6 से 7 वर्षों का विलंब है। 6 से 7 वर्षों के बाद आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी जिसे आप भाग्योदय कह सकते हैं। और मकर राशि की बात हो चुकी है, बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, जान लेते हैं क्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातक आर्थिक बचत में कठिनाई महसूस करेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ होगी और पारिवारिक क्लेश मिल सकता है, स्वास्थ्य खराब रहेगा। श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और श्याम जी के दर्शक इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए अपना सवाल श्याम जी। एक बार फिर से रुक करना होगा राशियों की ओर, बात कर लेते हैं मीन राशि की, पाइसेंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य पूरे होंगे, सरकार और शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, राहु का उपाय करें। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी से अब आखिर में जान लेते हैं, पंडित जी फागुन मास में जन्मे लोग किस तरह के व्यक्तित्व के मालिक होते हैं? फागुन मास में जन्मे लोग चतुर होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, दयावान होते हैं। फागुन मास में जन्मे जातक बलवान, आत्मविश्वासी और भावनाशील होते हैं। इस मास में जन्मे लोग भगवान शिव की उपासना करें तो निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि होती है और जीवन के संकटों का समाधान होता है। और गिरिधर एक दर्शक इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिधर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? गिरिधर जी पूछे अपना सवाल। जी जी नेहा मैडम नमस्ते। जी नमस्ते पंडित जी, कह रहे सदा सुखी रहिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम दो भाई एक ही दुकान पे हैं, आपस में पट्टी नहीं है, बहुत झगड़े बहुत होते हैं। जी तो आपको मैं बताऊं, एक उपाय कर लीजिए जिससे आप लोगों के बीच में पटरी हो जाए। आप ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कर लीजिए और ये जप 50,000 बार अपने आप से स्वतः कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।